संत कबीर नगर में बीते कई दिनों से आमी नदी उफान पर है, जिसकी चपेट में आकर आधा दर्जन गांव प्रभावित हैं और पानी से घिर गए हैं। लोगों का गांव से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। रोजमर्रा की चीजें लाने के लिए नाव ही सहारा है, जब खुद के लिए लोगों के सामने मुसीबत है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जानवरों के लिए चारा का इंतजाम कैसे होगा। गांव के लोगों के अनुसार बीते 15 दिन में प्रशासन की तरफ से मदद पहुंचना तो दूर, कोई सुध लेने तक नहीं आया। स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर कोई चुनाव सर पर होता तो जनप्रतिनिधियों की लाइन लगी होती, अभी कोई पूछने तक नहीं आया। लोगों के अनुसार 5 साल होने जा रहे हैं, इन लोगों ने इस दौरान सपने में भी विधायक को नहीं देखा है। बाढ़ग्रस्त 5 गांव हैं। टोटल आबादी कितनी होगी? आबादी मान के चलिए कम से कम 1000 का होगी, 1200 आदमी तीनों पूर्व मिला के। हाँ, तो क्या ये इस मामले पे कभी आपके स्थानीय नेता, कभी विधायक जी कभी एक पहल किए कुछ? 5 साल हो गया, विधायक जी का तो सपना नहीं देखे हम लोग, विधायक जी किधर रहते हैं। सूचना भी उनको दी गई होगी? अरे सूचना बताने वाले का वो नहीं, कहीं दूर का थोड़ी नहीं, यहाँ से 6 ही किलोमीटर दूर उनका घर है, लेकिन यहाँ भी नहीं आए हैं कभी। क्या है, हमारा गांव बाढ़ से जलमग्न हो गया है, गांव के चारों तरफ से बाढ़ है, हम लोग बाज़ार करने के लिए भी मजबूर हो गए हैं, अन्य भी कई समस्याएं हैं। आज लगभग 15 दिन हो गया शासन प्रशासन या कोई भी गजिस्टर्ड अधिकारी हमारे वहाँ नहीं आए कि कैसे हैं। हाँ, राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं चुनाव के समय में आती हैं, और आज के डेट में ये नहीं कोई पूछने आता है कि आप लोग कैसे हैं। ये स्थिति कब से, कितने दिनों से बनी हुई है? ये लगभग तो है 8 साल से, जब से गोनहा घाट बना है तभी से ये परेशानी है, क्योंकि पानी जम वहाँ से रुक जाता है, थोड़ा कम पानी निकलता है। लेकिन जो है अगर हम लोगों को 500 लगभग आबादी हमारे गांव का, अगर जाने के लिए जो है खजूरकोल में जाना पड़े तो अगर 4 से 5 फीट की जो पटाई हो जाए मिट्टी का, तो आवागमन हमारे वहाँ बढ़िया हो जाएगा। हमारे गांव से दयनीय स्थिति थी भक्ती की, जो कि आज कुछ अच्छा है, वहाँ जो है मिट्टी पटाता है, लेकिन हमारे गांव में कोई सुध लेने नहीं आता है, और हमारे वहाँ यही समस्या है।